नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, प्यार आपके काबू में नहीं है, आपके वश में नहीं है। नहीं सुनता है वो बात आपकी, नहीं सुनना चाहता है अब वो आपकी। हाँ, एक समय था आप दोनों प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे। नहीं रह सकता था वो आपके बिना एक मिनट भी, और ना ही आपने कल्पना की थी कभी उसके बिना अपने जीवन की। परंतु समय बदल गया, हालात बदल गए, अब सब कुछ शांत है आपके जीवन में, प्यार कम है और अविश्वास पैदा हो गया है। कोई ना कोई तो आ गया है आप दोनों के पवित्र रिश्ते के बीच, और अब सब कुछ ठीक नहीं है। यदि प्रेमी और प्रेमिका है आप दोनों, लंबे समय से यह प्रेम संबंध सही से चल रहा था, परंतु अब ऐसा लग रहा है आपको कि अब सब कुछ ठीक नहीं है। संबंध ठीक नहीं है, बिगड़ रहे हैं, हालात ठीक नहीं है। विवाह की बात छेड़ी आपने और वह इस जिम्मेदारी से मुकर रहा है। यदि आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि समय के साथ ये रिश्ता बस और खराब होता जा रहा है, नहीं विवाह करेगा वो आपसे या नहीं विवाह करेगी वो आपसे, और आप चाहते हैं कि आपका प्यार पूरी तरह से आपके काबू में आ जाए, आपके कदमों में आ जाए, तब करें यह एक छोटा सा दिव्य प्रयोग। यदि पति और पत्नी हैं आप दोनों, परंतु बात नहीं बन पा रही, प्रेम आगे बढ़ता ही नहीं है, बस ये रिश्ता नाम की तरह चल रहा है, और आप चाहते हैं अपने प्यार को पूर्ण रूप से अपने काबू में रखना। जो गलतियां करता है वो आप चाहते हैं उसे वो समझे और उसके लिए माफी मांगे। जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच, आप चाहते हैं कि अब वो दूरी कम हो जाए। आप पुरुष हो या महिला हो, करें यह छोटा सा दिव्य चमत्कारिक लव वशीकरण, और देखिए कैसे आपका प्यार आपके कदमों में होगा। कई बार पति और पत्नी दूर से देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। सभी को यही लगता है, कितनी शानदार जोड़ी है, कितनी खूबसूरत तरीके से आप दोनों साथ रह रहे हैं। परंतु वास्तव में सत्य क्या है यह केवल आप जानते हैं। न प्रेम है आप दोनों के बीच, न विश्वास है एक दूसरे के प्रति, कोई लॉयल नहीं एक दूसरे के लिए, बस ये रिश्ता चल रहा है नाम के लिए। एक दूसरे पर आरोप लगाता है, तुम्हारा पार्टनर तुम पर हाथ उठाता है, अपशब्द कहता है, कहीं भी तुम्हारा अपमान करता है। इस रिश्ते का कोई मोल नहीं है उसकी दृष्टि में, और तुम अब इस रिश्ते से निकलना चाहती हो या चाहते हो। यदि तुम्हारी प्रेमिका अलग बोली बोलने लगी है, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हारे अलावा कोई अन्य भी है जो उसके जीवन में प्रवेश कर चुका है, इसलिए अब वो तुम्हें सम्मान नहीं दे रही, मान नहीं दे रही, तब कर लेना यह एक छोटा सा लव वशीकरण, भाग कर आएगी तुम्हारे पास। यदि पत्नी बार बार मायके चली जाती है, इस जिम्मेदारियों से बचना चाहती है, बच्चों का भार नहीं लेना चाहती, इस रिश्ते का भार अपने सर पर नहीं उठाना चाहती, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कब मैं इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊं, और ऐसा करने मात्र से तुम्हारी गृहस्थी टूट सी जाएगी, तब कर लेना यह छोटा सा दिव्य चमत्कारिक लव वशीकरण। तुम्हारे प्यार में वृद्धि होगी, तुम्हारे विश्वास को समझेगी, इस रिश्ते को समझेगी, तुम्हारे पास लौट कर आएगी। अद्भुत है, चमत्कारिक है यह लव वशीकरण, जिसने भी किया है 24 घंटे के भीतर असर होता है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यह प्रयोग आपको या तो बुधवार के दिन या तो शुक्रवार के दिन करना है। भगवान गणपति को हमेशा स्मरण करना है आपको। बुध जो होता है, अंक है संबंधों को सुधारने का, अंक है पति पत्नी के घर का, प्रेम के घर का। तो आपका यदि आपको दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा, आपको प्रेमी प्रेमिका के संबंध में यदि बिगड़ाव आ रहे हैं, तो आपको अंक 6 और बुध को स्मरण करना है और भगवान गणपति जी को स्मरण करना है। आप अपनी बाई हाथ की हथेली पर हरे रंग के कलम से अंक 6 लिख लें। आपको एक हरी इलायची चाहिए, सिर्फ एक, बड़े साइज की इलायची, स्वच्छ हो, बाजार से खरीद कर ला, रसोई घर से ना ले। जो अंक 6 आपने लिखा उसे घेरे में बंद कर दे, 6 लिखकर एक घेरा बंद कर दे हरे कलम से, और इसी 6 के ऊपर आप इलायची रखेंगे।
बुधवार को जरा जल्दी सोकर उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें, हरा कपड़ा पहने, स्वच्छ स्नान करें, सफाई का बहुत ध्यान रखें, नाखून वगैरह ना काटें, गणपति जी को पूज लें, एक दिया जला दें, अपनी ऊर्जाओं को जागृत करें, बुद्ध को याद करें, अंक 6 को स्मरण करें। आपको बैठने की जो दिशा होगी वह उत्तर की ओर होगी, आपका चेहरा उत्तर की ओर होगा, शरीर पर भी हरा वस्त्र धारण करेंगे और बैठने के लिए जो कपड़ा आप बिछाएंगे, आसन बिछाएंगे, उसमें भी हरे रंग का प्रयोग अवश्य हो। संपूर्ण हरा ना हो पर थोड़ा भी हो तो ज़रूर हो। काले रंग से त्याग करेंगे, ना शरीर पर काला पहनेंगे और ना ही किसी काले चीज़ को पास में रखेंगे। जहाँ आप बैठेंगे वहाँ सफाई का बहुत ध्यान रखें, कोई चप्पल जूता जूठी बर्तन इत्यादि ना हो। बैठ जाएं, एक पात्र में थोड़ा सा जल रख लें और कुछ नहीं चाहिए आपको। बाएं हाथ की हथेली पर आपने अंक 6 लिखा, उसे घेरे में बंद कर दें। उसी को आप घेरे के ऊपर ही अंक 6 लिख दें और 6 के ऊपर ही आप एक इलायची रख दें। दाहिने हाथ की जो इंडेक्स फिंगर होती है, अंगूठे के ठीक बगल वाली जो उंगली होती है, उसे आप इलायची पर रखें और इलायची जल को घर्षण के बल पर उसे घसे, जैसे 6 पर घिसना होता है ना, घर्षण करें इलायची से, जागृत करें उसे। आंखें बंद करें और 6 बार पार्टनर का नाम लें। पार्टनर का नाम लेने के बाद आंखें बंद करके पार्टनर को स्मरण करने का प्रयास करें, उसे देखने का, उसकी अनुभूति लें। यह एक लव वशीकरण है तो सब कुछ बड़े प्यार से करें, कोई क्रोध ना हो, कोई बदले की भावना ना हो, आपके मन में कोई खिन्न भावना ना हो। खूब अच्छे से स्मरण करें, जब वह दिखाई देने लगे, वह महसूस होने लगे, लगे आपका पार्टनर बिल्कुल आपके बगल में बैठा है, आपके सामने बैठा है, तब एक मंत्र बता रही हूँ, इसको 60 बार जपें, 60 times। ओम श्रुते अमुक वश्या कुरु, ओम श्रुते अमुक वश्या कुरु, अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम। लगातार 60 बार इसे कहने के बाद इलायची को हल्का घर्षण के बल पर आप 6 पर हमेशा उसे घिसें एक उंगली से। ऐसा करने के बाद दाहिने हाथ की मुट्ठी में इलायची को बंद कर लें, अपने सर माथे से लगाएं, अपने दोनों आँखों से लगाएं, अपने हृदय से लगाएं और यह इलायची आप भगवान गणपति जी के चरणों में अर्पण कर दें। यदि घर में आपके कोई गणपति जी की मूर्ति नहीं है तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं। उसके बाद सामने जो जल रखा है उसे अपने ऊपर थोड़ा सा छींटें और थोड़ा सा जल ग्रहण करें, थोड़ा सा पानी पी लें। यह एक ऐसा लव वशीकरण है कि इधर आपने किया और सामने वाला उधर बेचैन हो उठता है आपके साथ जुड़ने के लिए, आपकी दिशा में मुड़ने के लिए, वो तड़प उठेगा आपके पास आने के लिए। तुरंत असर दिखाने वाला यह चमत्कारिक लव वशीकरण, आपको प्यार में 100% सफलता मिलेगी, हर बाधा से मुक्त होगा, आपका प्यार होगा आपके वश में। अवश्य करें, बहुत बहुत धन्यवाद।